हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल KLD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 26 जून। चाहे आप इसको करेंट अफेयर के रूप में मान सकते हैं इस वीडियो को, या इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं, कह सकते हैं जो बनते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ये इस वीडियो में आपको बताया जाता है। मैं आज आपको कम से कम 5 से 6 ऐसे न्यूज़ के बारे में बात करूँगा जिससे आपके जीवन पर भी इफेक्ट पड़ेगा और आपके पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पहला क्वेश्चन है या पहला न्यूज़ ऐसा कह सकते हैं। तो आज का पहला न्यूज़ यही है कि प्रधानमंत्री मोदी 10 बैठक करेंगे। अब ये 10 बैठक कब होगी और कब से होगी, ये कह सकते हैं किस देशों के बीच में होगी, इसके बारे में बात करेंगे। आप समझ सकते हैं कि G20 एक कह सकते हैं कि कई देशों का, 20 देशों का एक समूह है, जो उसका बैठक होने वाला कहाँ पर होने वाला, वो जापान देश में होने वाला है। और कब होगा तो आपका 28 जून से लेकर 29 जून के बीच में होगा। तो वहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वहाँ पर जा रहे हैं, जिससे वहाँ के जो कह सकते हैं कि 20 जो नेता आएंगे अलग अलग देशों, किसी देश के राष्ट्रपति होंगे, किसी देश के प्रधानमंत्री होंगे, कह सकते हैं कि और वहाँ के प्रमुख लोग आते हैं, तो उनसे बीच में बैठक होगी। तो मैं थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपना लोहा मनवाने के लिहाज से होमवर्क पूरा कर लिया। वह इस सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत विश्व के दिग्गज नेताओं के साथ ताबड़तोड़ 10 द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मोदी फ्रांस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जापान समेत अन्य प्रमुख देशों के प्रमुखों को भी अलग अलग बैठक में साधने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जो भी समस्या, चाहे वो व्यापार के लेके हो, चाहे कह सकते हैं आतंकवाद को लेके हो, किसी भी तरह से समस्याएँ होती हैं तो यहाँ पे बात किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अब की बार किस देश में होस्ट किया जा रहा है, तो आपका जापान देश में वहाँ पे होगा। और G20 का मतलब होता है 20 देशों का समूह। कब होगा तो आपका कह सकते हैं कि 28 जून से चालू होगा और 29 जून कह सकते हैं कि 2 दिनों का ये कैसा सम्मेलन होगा। तो ये था हमारा पहला। इसी के नीचे मैं इसी पेज में दूसरा भी आप देख सकते हैं। दूसरा है कि सुरेश प्रभु भारत के सिरेपा होंगे। अब सिरेपा क्या मतलब होता है आप समझ सकते हैं, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा। दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले G20 देशों के सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भारत के शेरपा होंगे। यानी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ये भी सुरेश प्रभु जी हैं, ये भी उनके साथ जाएंगे। वहाँ पे क्या करने जाएंगे, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो इस देखिए इसमें लिखा भी है। प्रभु पहले ही कह चुके हैं कि सम्मेलन में मुक्त व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था, कराधान, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्लास्टिक कचरे से जैसे सभी जो मुद्दे हैं उससे बात करेंगे, या उससे निपटने के लिए जो भी कह सकते उपाय होगा उसके लिए ये बात किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का दूसरा न्यूज़। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर न्यूज़ पे। तीसरा नंबर न्यूज़ आपके स्क्रीन पे है, ये है तीसरा कि अमेरिकी विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अब बात करते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, तो आप नेम देख सकते हैं, ये हैं माइकल पोपियो। मंगलवार ये हैं आपके जो फूल लिए हुए हैं, ये आपके माइकल पोपियो हैं। और ये किससे बात करेंगे, ये जो है भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर से बात करेंगे। अब ये भारत में आए हैं तो किसके लिए आए हैं, क्या बात होगी, किस पे ज़्यादा विचार विमर्श होगा, ये सबसे पहली बात होती है, इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए इसमें दिया भी है सारे चीज़ के बारे में, ये प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे और क्या होगा मुद्दा, ये समझते हैं सबसे पहले इन मुद्दों के सुलझाने की संभावना। सबसे नीचे आइए, अब इसको आप डिटेल कह सकते हैं कि पढ़ सकते हैं। सबसे व्यापार, दूसरा होगा H-1 वीज़ा। आप समझ सकते हैं कि जो भारत के लोग अमेरिका में जाके रह रहे हैं, या उससे कह सकते हैं कि जो होता है ना कि दिक्कत पासपोर्ट में जो दिक्कत होती है, उस पर बात किया जाएगा कि कितना आसानी उसको किया जाए। तीसरा उनका टॉपिक होगा S-400 मिसाइल। आप समझ सकते हैं कि S-400 मिसाइल के बारे में भी बात हो जा रही है, कई दिनों से चल रहा है लेकिन अभी एक तरह से कन्फर्म नहीं हो पा रहा। और चौथा जो प्रॉब्लम होगा, ईरान और तेल, जो जैसे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में इस समय थोड़ा सा वार चल रहा है, ट्रेड वार कह सकते हैं एक तरह से, जिसे और उससे भारत को भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि भारत जो है, भारत कह सकते हैं कि ईरान से भी सामान खरीदता है और अमेरिका से भी सामान खरीदता है। तो ये सब बात होंगी, कुछ और इम्पोर्टेंट भी बात होंगी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आतंकवाद पर भी बात होगा, आतंकवाद समझ सकते हैं कि प्रतिदिन कह सकते हैं कि हमेशा पाकिस्तान जो है भारत पर कुछ तरह किसी तरह से आतंकवाद से एक तरह से कुछ ना कुछ करता रहता है। फिर अफगानिस्तान पे ऊपर बात होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में इस समय जो आतंकवादी संगठन है वो उसमें वहाँ पे सक्रिय हो रहे हैं। और तीसरा होगा रक्षा सौदा, और चौथा होगा चीन। चीन भी आप समझ सकते हैं कि भारत के जो प्रशांत महासागर जो क्षेत्र समुद्र का, उस पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो जिससे भारत के लिए भी एक तरह से दुखदायी होगा और अमेरिका के लिए दुखदायी ही होगा कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के चौथे नंबर न्यूज़ पे। चौथा नंबर न्यूज़ आपके स्क्रीन पे आ गया, बहुत अच्छा न्यूज़ है ये चौथा न्यूज़।
सीतारमण प्रभावशाली महिलाओं की सूची में, ये अभी हाल ही में कह सकते सर्वे किया गया, उसमें 100 महिलाओं में इनको कह सकते कि चुना गया। देखिए बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, बेटरेन भारत रिश्तों को आगे बढ़ाने वाली 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। सूची में बेटरेन की सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री पेनी मारडाउंट भी शामिल हैं। ब्रिटेन में के गृह मंत्री साजिद जावेद ने सोमवार को भारत दिवस के मौके पर यह सूची जारी किया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर पे चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो वहाँ पे जरूर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का जो एक सर्वे भी आया इसमें समझ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बात करूँगा कि डेंगू को भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कर सकते हैं शामिल। जैसे होता है ना कि डेंगू जो बीमारी होता है मच्छर के काटने से होता है और बरसात के समय में सबसे अधिक मच्छर पैदा होते हैं, तो आप समझ सकते हैं तो इसके जो होने की संभावना या इस बीमारी को होने की संभावना सबसे अधिक होती है। और इसका जो खर्च होता है या कह सकते हैं दवा का जो खर्च होता है वो सबसे एक तरह से महंगा भी होता है, सभी के बस की बात नहीं होती कराने के लिए। तो इसीलिए इसको सरकार कह सकते हैं कि डेंगू को अगर किसी को बीमारी होगी तो उसका सारा खर्च कह सकते सरकार खर्च करने वाली है, लेकिन अभी इस पर बात हो रहा है, अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे पूरा देखिए दिया भी है कि आप कह सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि आप 49 रुपये से लेकर 682 रुपये की मामूली प्रीमियम पे 10,000 से 1,00,000 रुपये का कवर ले सकते हैं। तो इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको आसपास किसी को हो जाए, भगवान ना करे ऐसे किसी को हो, लेकिन अगर हो जाता है तो इस तरह से समस्या को उसका निवारण हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि 3 साल में मरीजों की संख्या, देखिए पहले 2016 में 64,000 और 2017 में 1,88,000 और 2018 में 40,000 कह सकते हैं कि मरीज इसके पाए गए और ये मरीज पाए गए और मरने वाले की भी संख्या आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दिया 2016 में 220 लोग और 2017 में 325 और 2018 में 83। ये सरकारी डाटा है, ये अगर मतलब आप समझ सकते हैं ना कि कोई हादसा होता तो उसमें सरकार कितना दिखाती है आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए ये कौन कौन सी कंपनियाँ दे रही हैं इसके बारे में दिया, अपोलो म्यूनिस हेल्थ इंश्योरेंस ICICI लोम्बोर्ड आदित्य बिरला बजाज अलायंस जैसे कंपनियाँ डेंगू के लिए खास बीमा पॉलिसी पेश की है। तो ये सब आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, एक तरह से जो भी लोग गरीब हैं वो भी अगर नहीं करा पाएंगे तो इस तरह से इनसे इंश्योरेंस लेके या इनकी मदद के माध्यम से वो दवा करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है, अब रिपोर्ट में क्या कहा गया इसमें मैं पूरा विस्तार से बात करूंगा। नीति आयोग का ताज़ा रिपोर्ट में जारी की गई रैंकिंग उत्तराखंड का भी है बुरा हाल। इस समय आप समझ सकते हैं कि बिहार में इतने कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य हाल है इतनी बदतर हो गई है कि आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल एक तरह से उनको होता ना कि आप कह सकते हैं कि डांट लगाई है कि आप क्या कर रहे हो। देखिए यहाँ पे दिया है कि बिहार सेहत में फिसड्डी, केरल और आंध्र प्रदेश अव्वल। अब क्या है सारे चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, क्या हो रहा है वहाँ पे देखिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में सबसे फिसड्डी राज्यों में पहुंच गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश। समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में की स्थिति भी ठीक नहीं है, उस बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, ये सब जो सटे हुए तीनों राज्य यहाँ पे स्थिति इतनी गड़बड़ है कि स्वास्थ्य के लिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग से यह खुलासा हुआ कि रैंकिंग में केरल और आंध्र प्रदेश अव्वल है। सबसे पहले पे कौन है आपका, केरल है, और दूसरे पे आपका आंध्र प्रदेश, ये दोनों आपके पहले स्थान पे हैं कह सकते हैं, पहले और दूसरे स्थान पे आप समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे दिया है, सारा चीज़ दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है कि ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किसके आधार पे ये डाटा निकाला गया, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होता है। ऐसे तैयार की गई है रिपोर्ट, राज्यों की रैंकिंग देश भर में 33 संकेतों के आधार पर तैयार किया गया है। इनमें नवजात मृत्यु दर, जो आपका समझ सकते हैं कि 2 साल 1 साल के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके आधार पर प्रजनन दर, कितने लोग मतलब पैदा हो रहे हैं कह सकते हैं, जन्म के समय स्त्री पुरुष अनुपात जैसी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि जैसे आप केरल में समझ सकते हैं कि वहाँ पे स्त्री और पुरुष में बहुत अधिक कह सकते हैं कि एक तरह से असमानता है, एक तरह बहुत अधिक गैपिंग है, इस तरह समझ सकते हैं जैसे चीज़ों को शामिल किया गया है। साथ ही संचालन व्यवस्था और अधिकारियों की नियुक्ति अवधि जैसे चीज़ों को भी आप समझ सकते हैं कि जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं वो मान लीजिए 10 दिन रखे हैं, उसके बाद उनको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया, तो ऐसी भी समस्याएँ देश में एक तरह से बहुत ही घातक साबित होती हैं। चलिए अब रैंकिंग की बात करते हैं, यूपी के बात करते हैं। देखिए संपूर्ण रैंकिंग की यदि बात की जाए तो 21 बड़े राज्यों की सूची में यूपी सबसे नीचे 21वें स्थान पर, उसके बाद क्रम से आपके बिहार है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड आता है। जो गुजरात राज्य है वो चौथे स्थान पर। अब बात करते हैं कि मैं बिहार की थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ताज़ा रिपोर्ट में संदर्भ में 2015-16 को रखा गया, इसकी तुलना में 2017-18 में स्वास्थ्य क्षेत्र के हालात का जायजा लिया गया। नतीजों में बिहार का कुल प्रदर्शन सूचकांक 6.35 अंक गिरा है, वहीं उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सूचकांक 5.08 अंक, उत्तराखंड का कितना गिरा है 5.02 अंक, और उड़ीसा के सूचकांक में 3.46 अंक से गिरावट देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति गड़बड़ है। और देखिए यहाँ पे दिया भी है 23 संकेतों के आधार पर तैयार की गई ये रिपोर्ट, ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई स्वास्थ्य के लिए वो कितने संकेतों पर निर्भर था, तो आप समझ सकते हैं 23। और आप समझ सकते हैं कि बिहार इस समय कितने स्थान पे है, तो आपके समझ सकते हैं निचले पायदान पे 21वें स्थान पे। अब ये भी दिया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे प्रथम पे या प्रमुख स्थान पे कौन है, तो आपका पहला केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश,
तीसरा आपका महाराष्ट्र, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सुधार करने वाले 3 राज्य। जो पिछले साल कह सकते हैं जो डाटा आया था, ये हर साल डाटा कह सकते हैं कि रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें इस तरह से आपको देख सकते हैं हरियाणा है आपका, राजस्थान है और झारखंड, ये सब है जो प्रगति पिछली बार से थोड़ा सा सुधार कर लिए हैं। तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको दिया गया है, हरियाणा झारखंड का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा इस तरह से पिछले साल की बात किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ग्लोबल वार्मिंग से है। ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। होता क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश आता है वो कह सकते हैं कि पृथ्वी पे पूरा वापस, जैसे जितना आता है उतना वापस ना होके कुछ यहाँ पृथ्वी के माध्यम से सोख लिया जाता है या उसको ग्रहण कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? जैसे आप समझ सकते हैं कि हर जगह शीशे का यूज या कह सकते हैं कि मिरर का यूज हुआ रहा जा रहा है, तो एक ऐसा दर्पण चीज़ होता है जो सूर्य के प्रकाश को जल्दी से ग्रहण करता है और बाद में बहुत ही लेट से उसको कह सकते हैं कि उत्सर्जित करता है, बहुत देरी के बाद छोड़ता है। तो समझ सकते हैं कि धीरे धीरे इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा और जो आप कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर के बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रहे, जिससे जो समुद्र का जो कह सकते हैं कि लेवल है या समुद्र का जो पानी का लेवल है वाटर का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि जो समुद्र के किनारे जो कह सकते हैं कि राज्य हों या देश हों चाहे शहर हों कोई भी, उनके खतरा हो डूबने के खतरा हो, चाहे आपका मुंबई ले लीजिए एग्जांपल, इधर आप कह सकते हैं कि कलकत्ता ले लीजिए, ऐसे कई देश हैं जो आप कह सकते हैं मालदीव ले लीजिए, इस तरह से जो देश हैं वहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आया ये कि सर्वे जो आया है ये आपका गंगा से रिलेटेड आया। कहा ये किया गया है कि जब जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पृथ्वी वाटर का भी टेम्परेचर, जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो प्रवाह होगा, जल प्रवाह होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा गया कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो उसके आसपास के जो शहर है या छोटे राज्य कह सकते हैं वहाँ पर आने वाले समय में बाढ़ की स्थिति आ सकती है। तो यही चीज़ इसे पूरे डाटा रिपोर्ट में बताया गया, आप समझ सकते हैं कि पूरा इसमें दिया भी है। देखिए दिया भी है, तापमान में बढ़ोतरी का असर गंगा का पर भी होने लगा, इसके चलते गर्मियों में नदी के प्रवाह में प्रति सेकंड 0.5 मीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये तुलना सर्दियों के प्रवाह से की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसे हम CPCB के अध्ययन के अनुसार गंगा जल का तापमान बढ़ा है। गर्मियों में जब तापमान ज़्यादा रहता है तो प्रवाह तेज देखा गया, ये मैंने पहले ही बताया इस सब सारी चीज़ों में। और सर्दियों में तापमान घटने के साथ ही प्रवाह भी क्या होता है आपका कम हो जाता है। पानी के तापमान में बढ़ोतरी को जल जीवों एवं नदी के जैविक सेहत के लिए खतरा बन सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी एक तरह से बहुत बड़ी बात किया गया है यहाँ पे, पूरा आप समझ सकते हैं कि पूरा चीज़ आपको दिया गया। एक चीज़ और चलिए अब लास्ट में आते हैं, लास्ट का आज का जो देखते हैं न्यूज़ कौन सा रह गया है। एक आपका रह गया बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये आज का लास्ट है। लास्ट है कि देखिए यहाँ पर दिया है कि नहीं रहे स्वामी सत्यमित्रानंद, ये क्या कौन है आपके, इनके बारे में बात करेंगे। भारत माता मंदिर के संस्थापक पद सत्यमित्रानंद गिरी मंगलवार सुबह कह सकते हैं इनका निधन हो चुका है, ये हो चुके हैं। ये इनका जो वर्ष है कह सकते हैं 88 साल, और ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े कह सकते हैं एक तरह से ज्ञानी महात्मा थे। इनका हाल ही में अभी कह सकते हैं कि मंगलवार को निधन हुआ है। तो ऐसे जो बहुत ही महान पुरुष लोग होते हैं उनके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थे हमारे 26 जून के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, चाहे आप इसे करंट अफेयर के रूप में एक्सेप्ट करें या किसी भी तरह से आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ था। तो इसी तरह से आप डेली KLD क्लास में बने रहे।